हाय गाइस, सो व्हाट्सअप। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई को भी लेकर चल रहे होंगे। आप लोग अभी देख रहे हैं कि देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो केवल गांव में ही नहीं, केवल शहरों में ही नहीं, बल्कि गांव तक, शहर तक, हर जगह। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं महंगाई के बारे में, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में। तो कैसी महंगाई बढ़ती है, आखिर महंगाई होती क्या है और महंगाई बढ़ने का कारण क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों का हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। तो अगर बात करें और आपको नींबू का दाम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो नींबू का ही दाम क्यों ज़्यादा देखने को मिल रहा है? और ये बताया जा रहा है कि लोग, अगर आप होटल में जा रहे हैं आजकल, तो नींबू के जगह पे आपको नींबू नहीं दिया जा रहा है। आपके जूस वाले की बात करें तो जूस वाला नींबू के जगह पे पुदीना यूज कर रहा है। इतना लार्ज लेवल पे नींबू का दाम बढ़ गया। तो आखिर नींबू का ही दाम क्यों बढ़ा आज के समय में, बात करें महंगाई की? तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल। तो आइए चलते हैं। तो बात करते हैं हम लोग महंगाई को लेकर। तो हमारे रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं महंगाई बढ़ने का? सबसे पहला रीजन तो हो सकता है कि हमारा जो वार चल रहा है, जी हाँ, किसी भी कंट्री के बीच में अगर वार चलती है तो महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी जो रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है, इसकी वजह से भी आपको महंगाई देखने को मिल सकती है। तो पहला रीजन तो रसिया और वार जो चल रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, ये हो गया। बात करें और चीज़ें के बारे में, तो अगर अपने देश में बात करें, अपने देश में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारा जो नींबू है, तो नींबू प्रोड्यूस होता है हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड उड़ीसा। ये जो हमारे स्टेट्स हैं, इस स्टेट्स में, इन सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आपको नींबू देखने को मिलता है, प्रोडक्शंस। लेकिन और हम लोग केवल नींबू को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं नींबू को। और नींबू को इंपोर्ट करते हैं हम लोग रसिया से, यूक्रेन से। तो इन सारे चीज़ों कंट्री से हम लोग नींबू भी इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं लार्ज लेवल पे, इम्पोर्ट भी करते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो उस ट्रेड का असर तो पड़ेगा ही। अगर कंट्री में वार चल रही है, उसका भी असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये जो वार चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में, चल रहा था, अभी तक भी शायद चल रहा है, तो इसका कारण भी हो सकता है हमारे, और इसका कारण नींबू पर भी क्यों पड़ा, क्योंकि नींबू हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, महंगाई बढ़ सकती है आपकी, तो और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, इन जो कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज है आपकी, ये टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे देखने को मिल जाएंगे, ये सॉरी स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे देखने को मिलेंगी। अगर आपको तमिलनाडु से या उड़ीसा से आपको उठानी है नींबू और आपको ले जानी है दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में ले जानी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेस, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन आपका अगर सही नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट आपका सही नहीं रहेगा, या ट्रांसपोर्ट करने में आपका जो पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ से लिया जाएगा, गवर्नमेंट कहाँ से लगी, कस्टमर से लेगी, अब्सोल्युटली। तो कस्टमर से जब पैसा लेगी, तो कस्टमर से कैसे लेगी, डायरेक्ट नहीं ले सकती है, इसलिए उस प्रोडक्ट के ऊपर भाव बढ़ा दिया जाता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कर दिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, और इसके वजह से भी आपको महंगाई देखने को मिलती है। तो ये आपको पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगे इसके बारे में कि महंगाई कैसे बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ कि वार की कंडीशंस में आपको महंगाई देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ कि ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा होता है वो ऐड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उस प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके वजह से महंगाई देखने को मिलती है और महंगाई बढ़ती है। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर
जो प्रोडक्ट को ऊपर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिलती है। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। बाकी अगर बात करें डिमांड एंड सप्लाई को लेकर, सप्लाई चैन एक होता है हमारे कंट्री में, यहाँ की पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सप्लाई चैन के ऊपर भी हमारा महंगाई का असर देखने को मिलता है, इन्फ्लेशन का। सप्लाई चैन कैसे काम करता है? तो सप्लाई चैन हमारा पहला चीज़ होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को, जी हाँ, पहला चीज़ क्या होती है कि अगर सप्लाई चैन तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तो पहली चीज़ है कि अगर डिमांड बढ़ गई, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर डिमांड बढ़ गई, जैसे कि अभी गर्मी है तो गर्मी में सबको पता है क्या चाहिए, नींबू पानी चाहिए, तो गर्मी में नींबू की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, इसके वजह से आपको महंगाई देखने को मिल गई। ठीक है, तो यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी असर कर डालती है हमारी महंगाई, हमारी इन्फ्लेशन, तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी हमारी महंगाई बढ़ती हुई नज़र आती है। तो डिमांड बढ़ गया तो हमारा डिमांड जब बढ़ गया तो सप्लाई चेन में हमारा और उसका महंगाई भी बढ़ गई। तो पहला चीज़ क्या है, तो डिमांड किसी चीज़ का बढ़ जाना, किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ ज़्यादा हो जाना तो उसकी महंगाई देखने को मिलती है। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आपका कास्ट के ऊपर होती है। कास्ट मतलब किसका कास्ट? पेट्रोल का कास्ट। अगर पेट्रोल या डीजल का कास्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके वजह से ही महंगाई देखने को मिलती है। तो सेकेंड चीज़ क्या होती है कि कास्ट अगर बढ़ जाती है पेट्रोल की या डीजल की, तो उसको ऐसे ही महंगाई देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट हम बात किए थे कि ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जोड़ दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कैसे जोड़ा जाएगा? आपका अगर पेट्रोल महंगा हो गई तो ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो इसलिए पेट्रोल के दाम के अनुसार आपकी महंगाई बढ़ जाती है, आपका प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। ये आपको ज़रा सी बात पता ही होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हो गई? पहली चीज़ हो गई डिमांड एंड सप्लाई, दूसरी चीज़ हो गई महंगाई किस पे हो गई? कॉस्ट पे, आपके पेट्रोल के कॉस्ट पे। थर्ड चीज़ अगर बात करें तो थर्ड चीज़ आती है आपकी इनकम के ऊपर। अगर आपका इनकम अचानक बढ़ गया या अचानक आपकी सैलरी बढ़ गई, कि सारे लोगों की सैलरी अगर अचानक बढ़ रही है, तो लोगों की सैलरी जब बढ़ती है तो लोग डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट डिमांड सप्लाई पर ही हम लोग जा रहे हैं फिर से। तो जब आपकी लोगों की सैलरी बढ़ती है ज़्यादा, तो लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो यानी कि डिमांड ज़्यादा करते हैं, और डिमांड जब ज़्यादा करेंगे तो एब्सोल्युटली, हम लोग पहले से बताया था मैं आपको कि जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई भी वहाँ से, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, क्वांटिटी कम हो गई और उसकी सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो ऐसे इसकी वजह से भी आपको महंगाई देखने को मिलती है। तो ये तीनों चीज़ थी, तीनों कारण हो सकता है महंगाई बढ़ने के हमारे देश में या पूरे विश्व में भी बात करें तो। इन सारे चीज़ों कारणों को आप लोगों को जाननी है। अगर बात करें कंट्रोल करने की चीज़ें कि क्या कोई सरकार कदम नहीं उठाई महंगाई को कंट्रोल करने का, तो बहुत सारी कदम उठाया गया है। जैसे कि 1934 में एक कदम उठाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कि इन्फ्लुएंसेस कंट्रोल बोला गया था। इन्फ्लुएंसेस कंट्रोल में क्या होता था कि 4-2 रहना चाहिए आपको, जो सप्लाई चैन है ये डिमांड सप्लाई का और ये महंगाई का जो चैन है, ये 4-2 रहना चाहिए। 4-2 कहने का मतलब कि 4+2 क्या होता है? 6 होता है, एंड 4-2 क्या होता है? 2 होता है। यानी कि आपको 2 के नीचे और 6 के ऊपर महंगाई नहीं जानी चाहिए, मतलब कि इट शुड बी 4 मिनिमम 2 एंड द मैक्सिमम 6 होना चाहिए। तो मैक्सिमम 6 का मतलब कि आपको 6 के ऊपर नहीं जाने, अगर आप 6 के ऊपर जाएंगे तो कस्टमर्स परेशान हो जाएंगे, आप लेने वाला प्रोडक्ट को पास परेशान हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं आएगा, वो महंगाई देखने को मिलेगी। और 2 के नीचे नहीं आने, अगर 2 के नीचे आ गए तो किसान हमारे मर जाएंगे, किसान की फसल बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको मिनिमम तो पैसा ही चाहिए। जैसे कि MSP की हम लोग बात कर रहे थे, तो MSP की जब बात करते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उसको चाहिए ही चाहिए। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि 2 के नीचे और 6 के ऊपर नहीं ले जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का नज़रिया होता है, ये गवर्नमेंट का मानना होता है कि हमको कंट्रोल करना है महंगाई को, और कंट्रोल करके ऐसे ही ले जाना है, तो 4+-2 में आपको ले जानी है महंगाई को। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगता है तो, और आपको जानकारी मिली है तो अवश्य, अगर जानकारी मिली है भली बात ही, आपको अच्छी जानकारी मिली है तो लोगों के साथ शेयर करिए, और लोगों के साथ शेयर करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसके बारे में जानकारी ले सकें।
और आई होप कि यहाँ तक आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि महंगाई कैसे बढ़ती है और महंगाई का कारण क्या होता है बढ़ने का और ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और कमेंट बॉक्स में आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स ऐसे बना सकते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से जो राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है नींबू आज के समय में, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड उड़ीसा, यहाँ पे नींबू सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ से हम लोग डिमांड एंड सप्लाई भी करते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है कि डिमांड एंड सप्लाई पे दूसरी चीज़, पहली चीज़ होती है कि महंगाई बढ़ती है, दूसरी चीज़ कास्ट बढ़ गया पेट्रोल एंड डीजल का, एंड तीसरी चीज़ कि लोगों के पास इनकम ज़्यादा बढ़ गया और उसके वजह से लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी महंगाई आपको देखने को मिलती है। यही था लेक्चर में, और इस लेक्चर में आई होप कि आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छे से मिल गई होंगी और क्या कारण है क्या नहीं कारण है, किसलिए महंगाई बढ़ रही है, नींबू कहीं महंगाई, नींबू महंगाई क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इस महंगाई के दौर में नींबू का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग भी सेहत का ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कोविड भी आ गया है, तो इसलिए अपना नींबू पानी पीते रहिए। महंगाई तो महंगाई चलती रहेगी, थोड़ा सा अपना देखते हैं हिसाब किताब, ठीक है। तो कोविड का भी ध्यान देना है और कोविड में आपको सेफ सेफ रहना है और अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, तो आगे बढ़ना है। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, अगर कमेंट करना होगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, बहुत ही शानदार वीडियोज। तब के लिए जय हिंद गाइस, और आगे अपना शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अच्छा लगता है तो, और कमेंट करिए अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू, जय हिंद टू।